सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, बीते दिनों हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया था कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी स्टार इस शो में जल्द ही एक लीक पाने वाला है। सुनने में आ रहा था कि लीक के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक और नायरा की मौत भी होने वाली है। जिस तरह की खबरें शो को लेकर सामने आई हैं, उससे तो साफ है कि आपको एक के बाद एक कई बड़े झटके मिलने वाले हैं। वैसे ही मेकर्स इस शो में मोहसिन और शिवांगी के ट्रैक को खत्म करना चाहें, लेकिन जल्द ही शो में तीन नई एंट्री होने वाली है। अब वो तीन एंट्री किन कलाकारों की है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इस शो में अर्धांगिनी फेम दीक्षा धामी और जुड़वा भाई अपूर्व और अनमोल ज्योति की एंट्री होगी। जहां दीक्षा धामी इस शो में त्रिशा का किरदार निभाती हुई नजर आने वाली है, वहीं अपूर्व और अनमोल भी इस शो में लव कुश की भूमिका देखने मिलेंगे। वह आपको बता दें कि शो में एंट्री लेने से पहले अनमोल और अपूर्वा शिवांगी और मोहसिन के साथ पार्टी करते हुए नजर आए। जी हाँ, दोनों ही अब शिवांगी और मोहसिन के साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ शो की फेम रह चुकी पारुल चौहान भी इस पार्टी में नजर आई। वहीं शो में एंट्री मारने से पहले अपूर्वा और अनमोल ने शिवांगी और मोहसिन के साथ खूब सारी बातें भी करी और सेल्फियां भी खींची। वह आपको बता दें कि उन्होंने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। वेल, अब देखना तो ये होगा कि शो में क्या कुछ नया होने वाला है इन दोनों की एंट्री के साथ। तो आप भी देखते रहिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आप नए ट्रैक को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट नाइन लाइव से गीतांजलि की रिपोर्ट।